ये जो कवरेज मैं करने जा रहा हूँ, जिस बात को आपको बताने जा रहा हूँ, एक बेबस लाचार पिता की बात है। हमारे बहन बनोई दोनों हॉस्पिटलाइज हैं। अच्छा, हमारे बहन बनोई दोनों हॉस्पिटलाइज। आप उस लड़के के मामा हैं? भांजा भी मेरा चला गया, बहन बनोई भी हॉस्पिटलाइज है। एक मिनट, एक मिनट, मैं कर रहा हूँ, कैमरा ऑन है। मेरी इकलौती बहन का पहला बच्चा था। पहला बच्चा था? मेरे बहन बनोई दोनों हॉस्पिटलाइज है। हॉस्पिटल में भर्ती हो दोनों लोग? कहाँ पे, किस हॉस्पिटल में? कोड़ीराम प्रज्ञा हॉस्पिटल है। मेरी बहन अनकॉन्शियस है, भर्ती थी उस दिन, उसको कुछ मतलब ही नहीं रह गया अभी तक। आप इसको इस तरह से समझिए कि एक सरकारी डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है, जिनका नाम क्या नाम है, सुधीर गुप्ता, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं, और भाई साहब थोड़ा सा किनारे, बच्चों के डॉक्टर हैं और वो सरकारी डॉक्टर हैं, उसके बाद भी वो प्राइवेट में उनका अस्पताल, अस्पताल का नाम क्या है? ग्रीन लैंड हॉस्पिटल। और इस तरह का ये कोई फैला हॉस्पिटल नहीं है, और ताज्जुब मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कवरेज आप इनसाइड भारत टीवी पर और गोरखपुर और पूर्वांचल के तमाम चैनलों पे, कई सारे चैनलों पे आपने देखा होगा कि किस तरह से हॉस्पिटलों की मनमानी चल रही है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। इस वक्त हम लोग गोरखपुर मुख्यमंत्री के जिले में हैं, डीएम आवास पे हैं। डीएम साहब से अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई और आश्वासन मिल गया है कि FIR होगा और कार्रवाई होगी, और आश्वासन इस बात का भी मिला है कि जो हॉस्पिटल उसको भी सील किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बच्चा तो वापस नहीं आएगा, बच्चा तो वापस नहीं आएगा, तो क्या हम लोग ये सोच लें कि इसी तरह से हम लोग के साथ, हम लोग यानी कि जनता के साथ ऐसे होता रहेगा और हम लोग ऐसे ही आके FIR करवाते रहेंगे? इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या? शासन प्रशासन कुछ ऐसा नहीं करेगी कि ये जो हॉस्पिटल की गुंडई चल रही है ये हमेशा के लिए बंद हो सके? भगवान जिसे, एक तो ऊपर का भगवान होता है जिसको हम लोग मानते हैं, जिसके ऊपर प्रति श्रद्धा होती है, और हॉस्पिटल डॉक्टर जो हो वो धरती का भगवान कहा जाता है। लेकिन ये धरती के भगवान को हो क्या गया है भाई? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। आप सोचिए कि ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है, 5 तारीख की घटना है और अभी तक FIR नहीं हुई थी, वहाँ पे दो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, तीन गंभीर हालत में है। सोचिए कि किस तरह से वहाँ पे इलाज चल रहा है और टीका लगने की वजह से ये मौत हुई है। टीका लगने की वजह से किसी की मौत होती है? पूरा मामला बताइए। हम अपनी बहन के साथ ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में गए थे उसको टीका लगवाने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, बच्चा 4 किलो का स्वस्थ था। डॉक्टर साहब बोले कि 5 दिन बाद आइएगा, टीका लगवा लीजिएगा और अपनी बहन को दिखवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो बहनोई हैं उनकी तबीयत पहले से थोड़ी सी ख़राब थी। अब स्थिति ये था कि टीका लगाए, हमारे हाथ में बच्चा था, टीका लगाने के 5 मिनट बाद वो एकदम नीला पड़ गया, वही ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। 2 बच्चे और थे, दोनों को तुरंत टीका लगाए थे, दोनों तुरंत वो नीला पीला होने लगे। अब डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर होने के नाते तुरंत लेके हॉस्पिटल वहाँ NICU में लेके चले गए। हम पूछ रहे हैं बार बार कि हमारे बच्चे क्या स्थिति है, NICU में है, दूर रहो, NICU में दूर रहो। हमको वहाँ का तो लड़का था, एक झापड़ लगा भी दिया, मगर हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे, एक झापड़ लगा दिया, हम कहे कि तब भी बर्दाश्त किया कि हमारा भांजा कम से कम उसका तबाह हो रहा होगा। मगर 3 घंटे बाद हमारे गाँव के प्रधान जी थे और 2 लोग, जब जबरदस्ती किए तो दिखाए अंदर ले जाके कि भांजा मरा हुआ था, बच्चे को देखने नहीं दे रहे थे हम लोग। उसके बाद इतना उनका जबरदस्त डॉक्टर का क्रेज था कि कल 9 बजे रात तक पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे, कह लेके जाइए पोस्टमार्टम, इस बच्चे का क्या रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम लेके जाइए, नहीं पोस्टमार्टम करेंगे। उस रात में 9 बजे के बताए अगले रात के 9 बजे तक पोस्टमार्टम, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे तो उनकी वाली चल रही होगी, अगले रात के 9 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं किए। 10 बजे जाके जब हम लोग PRD मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने बैठे होते, तब एक बस्ती से डॉक्टर था, कंपाउंडर था, UP 51X करके कुछ गाड़ी था, वो आया, मैं वह किया पोस्टमार्टम उल्टा मौका कह रहा है कि अरे यार जाके 2-4 लाख रुपया ले बाकी पोस्टमार्टम करो, मिडल बाटा कुछ आई जाए ना जे गई ते गई। इस कंडीशन में हमें पंकज कुमार सिंह चौकी पर इंचार्ज है वहाँ के मेडिकल कॉलेज के, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के राजघाट भिजवा दिए। हम रात को 2 बजे उसका अंतिम संस्कार किए, उसी दिन से दौड़ रहे यहाँ से वहाँ तक, केवल पैसा ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, SHO गुलरिया तिलुआ तालकर है, पैसा ले मैनेज करो, देखो ग्रीनलैंड का पूरा थाना ग्रीनलैंड के नाम से चलता है, ग्रीनलैंड का बोर्ड लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर है, पैसा ले लो, हम पैसा दे के मैनेज करवा दे रहे हैं। अभी स्थिति है कि हमारे पास 10 बीघा खेत है, डॉक्टर साहब ले लें, पुलिस ले लें, सब ले लें, हम बहनामा करने के लिए तैयार है, मेरा बच्चा दे दें, 10 बीघा खेत है साहब मेरे पास, हम सब दे देंगे, बस हमारे भांजे को लेके दे दें।
बहन बहन वही को ला के दे दे। और ये सब कुछ वहाँ के SHO कह रहे थे, जो भी ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में कल मैं 4 बजे से लाइन लगा के उनसे मिला कि कुछ वहाँ से हमको मिल जाएगा आश्वासन। आश्वासन दिए यशवी नाथ, कहे हमारे शाम को 6 बजे आइएगा आवास पे, FIR दे देंगे। 6 बजे जा रहे थे, हमको गुजिया खिला रहे, गुजिया खा लो, हम गुजिया खा लें। हमारे घर होली के दिन, होली के दिन हमारे घर आग नहीं जला साहब, हमको गुजिया खिला रहे थे। हम कहे साहब FIR दे दीजिए, करे यार मैनेज कर लो। बड़ी मछली है, मैनेज कर लो, उसका कुछ नहीं होगा, सीधे ये कह रहे हैं मैनेज कर लो तुम लोग। कहां गया अब हम मुख्यमंत्री जी का न्याय। चलिए भैया, तो मुख्यमंत्री के दरबार में जाने के बाद भी शासन प्रशासन का ये रवैया, पुलिस प्रशासन के ऊपर जो आरोप लग रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब कितनी निंदा की जाए भाई, और कितनी बार निंदा की जाए। ये सारी चीज़ें अगर मुख्यमंत्री के शहर में हो रही हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से क्या ही उम्मीद करेंगे, और पुलिस प्रशासन से क्या ही उम्मीद करेंगे। क्या किसी SHO, अगर ये आरोप लग रहा है, सबसे पहली बात तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और अगर इस तरह का आरोप सही पाया जा रहा है तो ऐसे पुलिस वालों को भी कार्यमुक्त कर देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि जाएं उसी हॉस्पिटल में जाके काम करें, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो उन्हीं के साथ में रहें, वर्दी पहनने की क्या ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें अगर मुख्यमंत्री के शहर में होंगी तो फिर बाकी जिलों का आकलन मुख्यमंत्री के जिले के हिसाब से विपक्ष के लोग इसी तरह से लगाते हैं। एक परिवार बिलख रहा है, माता पिता उस लड़के के रोड हॉस्पिटल में हैं, मामा लगभग 8 दिनों से बिना खाए यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, और हम और आप इसी तरह से कवरेज करेंगे और दुहाई देंगे। होगा क्या, वही जो हमेशा से होता आया है। बाकी उम्मीद है संविधान पे, उम्मीद है न्यायालय पे, उम्मीद है कि हाँ वहाँ पे अगर कुछ बुरे पुलिस वाले हैं तो वहाँ पे कई सारे अच्छे भी पुलिस वाले हैं, और वो अच्छे पुलिस वाले इस बात को समझेंगे और कम से कम न्याय के लिए, जिनका जमीर जिंदा होगा, कम से कम ऐसे लोगों को न्याय के लिए आगे आएंगे। लेकिन ऐसे पुलिस वाले जो अगर यह बात कह रहे हैं कि मामला मैनेज कर लो, बड़े हाई लेवल के लोग हैं, तो भैया ऐसे पुलिस वाले से जनता को भगवान बचाए। जय हिंद।